जय श्री कृष्ण बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम जैसे देखिए ऊपर लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। अगर आप डायरेक्ट देखें तो जो एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, आईटी के अंदर जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो आईटी या नीट का एग्जाम जो है उसके लिए भी जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, तो दो तीन साल में एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो फिजिक्स के अंदर कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है या आप समझें कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके अंदर न्यूटन के लॉ का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप ऑप्टिक्स को हटा दें तो फिजिक्स की हर ब्रांच में न्यूटन का लॉ इस्तेमाल होता है। कभी वो फोर्स के फॉर्म में अपने आप को दिखाता है, कभी वो एनर्जी के फॉर्म में दिखाता है अपने आप को, कभी वो मोमेंटम के फॉर्म में दिखाता है, कभी वो टॉर्क के फॉर्म में अपने आप को दिखाएगा, लेकिन न्यूटन का के जो लॉज ऑफ मोशन है वो उनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर न्यूटन। अच्छा होता इसमें यह है कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को लोग हल्के में लेते हैं, हल्के में यूं लेते हैं कि जैसे बचपने से सुनते आए हैं। आप सबको अभी मैं पूछूं, अगर जितने भी यहाँ लोग होंगे, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, वो सारे लोग अगर किसी से भी मैं पूछूं कि भाई न्यूटन के लॉज क्या है बताओ तो फटाफट गुना देंगे। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, चल रही है बॉडी तो चलती रहेगी, रुक गई तो रुकती रहेगी। दूसरा ये है कि एफ बराबर जो है एम ए, एफ बराबर डीपी बाई डीटी। तीसरा एक्शन रिएक्शन का लॉ, तो ये सबको पता रहता है, सबको पता रहता है। तो लोग न्यूटन के लॉ को बहुत ऐसे लेते हैं कि यार ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा गहरे नियम है, बहुत गहरे नियम है। हम यहां पर आपको न्यूटन का लॉ नहीं सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे न्यूटन के लॉ का एप्लीकेशन। ये नियम क्या है, ये तो बहुत ही साधारण से नियम है, इनके अंदर कोई ऐसी देखने में विशेष बात नहीं लगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते जाओगे, समझते जाओगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि यार ये तो बहुत ही गहरी बात न्यूटन ने कह दी। अरे इतना नाम है यार न्यूटन का, न्यूटन का इतना ज्यादा नाम जो है वो इसीलिए तो है कि न्यूटन ने अपने लॉज की मदद से एक तरह से पूरा कहते हैं कि फिजिक्स की पूरी ब्रांच खड़ी कर दी, पूरा मैकेनिक्स खड़ा कर दिया। इनफैक्ट वेव में भी इस्तेमाल होता है इसका, हीट में भी इस्तेमाल होता है, इवन मॉडर्न फिजिक्स तक में भी एनर्जी के जो कंसेप्ट होते हैं, मोमेंटम के कंसेप्ट होते हैं, वो सब आते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर एक नया फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिज्म पढ़ोगे एक नया फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो हर जगह ही फोर्स है। और न्यूटन के लॉ ने किया क्या था, न्यूटन के लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया था। कैसे, पहला और तीसरा नियम तो फोर्स का नेचर बताता है और दूसरा जो नियम है न्यूटन का वो फोर्स की वैल्यू बताता है। तो न्यूटन का, न्यूटन के लॉज जो है वो दिखने में साधारण है लेकिन इनके जो इस्तेमाल है वो असाधारण है। इनफैक्ट अगर आप ऐसे समझें कि लाइफ के अंदर जो भी जो बहुत ही चीजें एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है ना, वो देखने में बड़ी सिंपल लगती है। जैसे एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई ये कहा जाता है कि हमें हमें ट्रुथफुल होना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ये बात बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन में उतारो तो आप गांधी बन जाओगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें सच्चा होना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। इस बात से कोई कितना बड़ा टर्म डिराइव कर सकता है, या हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हम बोलते हैं हार्डवर्क करना चाहिए, हार्डवर्क टीचर बताते हैं, माँ बाप बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, सब बताते हैं। बात सिंपल सी है, वन मस्ट डू द हार्डवर्क, ठीक है, लेकिन अगर उसको आप अपने जीवन में उतार लो, अपने अंदर ले आओ उसको, तो आपको पता चलता है कि ये कितनी बड़ी बात है। उसी तरह से न्यूटन के नियम है, देखने में बड़े साधारण से लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार ये तो क्या है, छोटे छोटे नियम है, मैं उस टाइम पैदा होता तो मैं ही न्यूटन के नियम बना देता। ये भी आता है मेरे दिमाग में, जब मैं स्टूडेंट था पहली बार पढ़ा मैंने न्यूटन के नियम तो मुझे यही लगा यार कि तो बड़े सिंपल सिंपल से नियम है, मैं बहुत लेट पैदा हुआ, अगर उस टाइम पैदा हुआ होता तो ये नियम तो मैं ही दे देता। फिर जब मैं टीचर बना, जब मैंने न्यूटन के नियम को पढ़ाना शुरू किया, काम करना शुरू किया, इस पे रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा यार ये तो बहुत ही गहरे नियम है, बहुत ज्यादा ही, मतलब नेचर की जो, जैसे कहते हैं जो प्रकृति के अंदर जितने छिपे हुए नियम है ज्यादातर इस इन न्यूटन के नियमों से ढूंढे जा सकते हैं। तो न्यूटन के लॉज जो है उनको, पहली बात तो इतना मेरा बोलने का पर्पज ये कि ना हल्के में नहीं लेना है, इनको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करनी है। और न्यूटन के जो लॉज है वो हमें फोर्स के बारे में बताते हैं, फोर्स जो है उसको डिफाइन करते हैं, न्यूटन के जो भी लॉज है वो फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले न्यूटन के लॉज को पढ़ने के पहले हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो थोड़ा सोचिए फोर्स क्या होता है, फोर्स की बहुत सारी किताबों में आपको डेफिनेशन मिलेगी। तो फोर्स की जो सबसे बढ़िया डेफिनेशन है वो यही है कि फोर्स एक पुश या पुल होता है
जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को या तो बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। एक ऐसा पुश या पुल है, जैसे मान लीजिए कि ये एक यहां पर एक जैसे चौक है, दिख रही होगी आपको, या चलिए मैं दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, से ये डस्टर है, ये डस्टर है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद ये चलने लगा। तो ये फोर्स जो होता है ये पुश या पुल होता है, जो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को या तो बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। जैसे ये बोर्ड है, इस पे अगर मैं पुश या पुल लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वैसे का वैसे रह जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या दीवार तो आपको दिख नहीं रहेगी, अगर मैं इस दीवार के ऊपर पुश या पुल करूंगा तो दीवार भी रुकी रहेगी। तो फोर्स एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकते हैं या बदलने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश भी फोर्स ही है। ऐसा कई बार होता है कि हम कोशिश करते हैं लेकिन वो बॉडी मूव नहीं करती, ठीक है। तो फोर्स के बारे में, फोर्स को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ पर धीरे धीरे करके आएंगे। फोर्स इज ए पुश और पुल, फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस, और फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द, फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक पुश या पुल है, एक धक्का या खिंचाव है, जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को या तो बदल देता है, चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कर क्या सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, उसकी साइज चेंज कर सकता है, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है, या आप कहें कि ऑब्जेक्ट के साथ जो कुछ है, जो कुछ भी होता है वो सब फोर्स ही करता है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं, आप दुनिया में ऐसा कोई इवेंट ढूंढ नहीं पाओगे जिस इवेंट के अंदर फोर्स नहीं लग रहा हो। कोई भी अगर घटना हो रही, मेरे ऊपर एक लाइट बीम भी आके गिरेगी ना, तो वो लाइट बीम भी मेरे ऊपर 2IA/c के बराबर फोर्स लगा रही होगी, जहां आई जो इंटेंसिटी है, ए मेरा एरिया है और सी लाइट की वेलोसिटी है। कोई भी इवेंट हो रही, कोई भी घटना अगर आप बैठ के ठंडे दिमाग से कभी सोचना, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा इवेंट हो ही नहीं सकता जिसमें फोर्स ना लग रहा हो। हर इवेंट के अंदर फोर्स है, फोर्स हर जगह पे, जैसे कहते हैं ना ईश्वर के बारे में ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, उसी तरह से फोर्स है। कोई ऐसी दुनिया के अंदर घटना नहीं होगी, ठीक है, जिस घटना में फोर्स इन्वॉल्व ना हो। अगर आप सोचना तो हर इवेंट के अंदर फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, हर घटना दुनिया में, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो सकता है, जो कुछ होने की संभावना है, जो कुछ नहीं होने की संभावना है, हर चीज के लिए जिम्मेदार फोर्स है। और उसी फोर्स को न्यूटन ने बताया था, वही जो फोर्स जो दुनिया में हर इवेंट के लिए जिम्मेदार है, उसी फोर्स को न्यूटन ने बताया था। इसलिए न्यूटन ने जो बताया था वो बात बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूटन के जो नियम है, जैसे जैसे आप इनके बारे में जानते जाओगे, वैसे वैसे आपके मन में न्यूटन के लिए इज्जत बढ़ेगी, ठीक है, इज्जत कह रहा हूं मैं। जैसे जैसे जानोगे, जितना गहराई में जानोगे, उतना ज्यादा आप इन नियमों को अप्रिशिएट कर पाओगे। तो फोर्स एक पुश या पुल होता है, जो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है या बदलने की कोशिश करता है। थोड़ा फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, न्यूटन के लॉस पर हम आएंगे, लेकिन थोड़ा चर्चा हम फोर्स के बारे में करेंगे। इस दुनिया में चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस बताए गए हैं। ये जो दुनिया है इसके अंदर चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस बताए गए हैं, और बाकी जितने भी फोर्सेस हैं सब उन्हीं फोर्सेस से मिलजुल करके बने हुए हैं। ये चार फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारे सिलेबस में है, इस पर हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे 5 से 6 लेक्चर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पूरा आपका 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है मैक्सिमम। मॉडर्न फिजिक्स और आप ऑप्टिक्स छोड़ दो तो पूरा जो 70% है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, तो पूरा 12th के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फोर्स आता है, फिर उसके बाद उसके अंदर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस बनाए गए हैं, और ये जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं, वो चारों फंडामेंटल फोर्सेस मैं एक एक करके टेकअप करूंगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट इन सब के बारे में, क्योंकि वो डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि डिटेल में तो जब हम लोग, चूंकि ये खुद सिलेबस में है, चैप्टर में है, तो हम लोग इनको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अभी फिलहाल, लेकिन थोड़ा फोर्स की फीलिंग दिलाने के हिसाब से मैं इन फोर्सेस के बारे में थोड़ी बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बात बता रहा हूं, चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, फोर फंडामेंटल फोर्सेस
फोर फंडामेंटल फोर्सेस। चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अभी इसके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा, ऐसा नहीं कि बात नहीं करूंगा, मैं बात तो करूंगा इसके बारे में, ठीक है, पांच मिनट ही सही। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं वो सब इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इन्हीं से जोड़ घटा के, बाकी यही चार हैं। जैसे कह सकते हैं ना कि भाई चार कलर है, वैसे तो कलर बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं ना चार रंग है, बाकी सारे रंग इन्हीं से मिला जुला के बने हुए हैं। तो कुछ इसी तरह से आप समझें कि चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, बाकी जो भी फोर्सेस हैं वो सब इन्हीं से मिला जुला के बने हुए हैं। अब थोड़ी सी बात मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में करूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स पहला जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी लंबी कहानी है ग्रेविटेशनल फोर्स की, जब मैं ग्रेविटेशन आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पर इसकी कहानी की चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग फोर्स समझना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट मास एम वन है और एक पॉइंट मास एम टू है और इनके बीच की दूरी आर है, तो इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ, ये बराबर होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कोई भी दो मासेस हैं, मान लीजिए पॉइंट मासेस एम वन और एम टू हैं और इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। जहां पर ये जो जी की वैल्यू आती है, जी ये आता है 6.67 इंटू 10^-11, ठीक है। जी जो आता है वो 6.7 इंटू 10^-11 SI यूनिट में, मैं यूनिट लिख देता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो अब ये जो फोर्स आएगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो चूंकि जी की वैल्यू बहुत कम होती है तो जो ये फोर्स आता है ये भी बहुत कम आता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि ये नेचर का वीकेस्ट नोन फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। सबसे कमजोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम आती है। अगर आप एक एक किलो का मास ले लें तो एक किलो के दो मासेस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो 10^-11 के ऑर्डर का लग रहा होगा, एक मीटर की दूरी माने अगर। तो कहने का मतलब यह है कि ये नेचर का वीकेस्ट नोन फोर्स है, वीकेस्ट नोन फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। तो इसके बारे में अगर मैं लिखूं तो ये वीकेस्ट नोन फोर्स है। ठीक है, इसकी अगर इसके बारे में अगर लिखा जाए तो एक पॉइंट ही आ रहा है वीकेस्ट नोन फोर्स है। लेकिन भाई ये नेचर के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, नेचर जो होता है अजीब तरह से बिहेव करता है। कहने को गणित कहता है ये सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन आप जरा सोचें कि दुनिया के अंदर जो भी हैवीएस्ट मोशन हो रहे हैं, प्लैनेट्स चल रहे हैं, गैलेक्सीज चल रही हैं, सूरज चल रहा है, चांद सितारे सब चल रहे हैं, जो बड़े से बड़े मोशन हो सकते हैं वो सब के सब इसी फोर्स के कारण हो रहे हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सारे के सारे दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े से बड़े मोशन हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं आपने कभी सुना होगा कि एक स्टार था दूसरे स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहा था चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण। ये आपने हमेशा सुना होगा कि ग्रेविटी के कारण ये चलते हैं। तो कहने को ये दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन सच में ये लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स है। होता क्या है, ईश्वर ने जी की वैल्यू को बहुत कम कर दिया लेकिन एम वन एम टू की वैल्यू को बहुत अधिक बढ़ा दिया। जी तो बहुत ज्यादा कम कर दिया लेकिन अब धरती का मास जो है वो 10^24 के ऑर्डर का है, तो 10^24 में तो -11 खो जाएगा ना, तो फोर्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ईश्वर ने किया क्या, ईश्वर का मतलब जिसने भी, पता नहीं ईश्वर होता है नहीं होता ये सब अलग मुद्दा है, लेकिन जो क्रिएटर है या जो भी नियम बने वो इस हिसाब से बने हैं ना कि
कहने को गणित के हिसाब से ये कब सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन ये दुनिया का सबसे लंबी रेंज का फोर्स है। दुनिया के इस छोर से उस छोर तक जो फोर्स काम कर रहा है वो यही वाला फोर्स है। इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, ये मैं लिख दे रहा हूं, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, सबसे लंबी दूरी तक का फोर्स है। इससे ज्यादा दूर तक किसी फोर्स का कोई असर नहीं होता। और ये मीडियम मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, बीच में कुछ भी मीडियम हो, दो तारे, तारों के बीच में हजारों तारे होंगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर वैसे ही फोर्स लगाएंगे। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी आती है, ये जो मतलब आजकल ज्योतिषी ज्योतिषी जो लोग होते हैं, ये लोग देखो, ये तो सच्ची बात है, ये तो आप भी मानोगे कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो फोर्स के कारण ही हो रहा है। फोर्स अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो दुनिया में कुछ भी, कोई भी इवेंट नहीं होगा, हम नहीं होंगे, तुम नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ आज के प्रेजेंट फॉर्म में दिख रहा है उस सबकी वजह फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लोग जो जैसे ज्योतिष होता है वो बताता है ना कि भाई आपका मंगल जो है भारी चल रहा है और आपका शनि जो है वो हल्का चल रहा है और ये उस घर में बैठा है तिरछी नजर से देख रहा है। तो एक्चुअल में इन सब के पीछे आजकल एक साइंटिफिक, मतलब एक बहुत ही साइंटिफिक और एक जैसे कहते हैं कि पैसा एक अच्छा विचार चल रहा है। अच्छा विचार का मतलब कि जो ये जो ज्योतिष विद्या है उसको जस्टिफाई किया जाता है। जस्टिफाई किस तरह से लोग करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो मेरे ऊपर मून भी लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स मेरे ऊपर जुपिटर लगा रहा होगा, कुछ सन लगा रहा होगा, कोई मतलब हर प्लैनेट मेरे ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। वही फोर्सेस जो होंगे वो मेरे माइंड के स्टेट को, मेरे फिजिकल स्टेट को, मेंटल स्टेट को और बहुत सारी चीजों को, वो फोर्सेस जो, जैसे ऐसा आप समझिए जो टाइड्स आती है, ज्वारभाटा आता है, तो ज्वारभाटा क्यों आता है? मून का जो अट्रैक्शन होता है वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अगर ज्वारभाटा समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो सब जो मून है, जो चंद्रमा है, वो मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स पे भी तो असर डाल ही रहा होगा ना। आपके दिमाग के न्यूरॉन पे भी असर डाला होगा, बॉडी के सेल्स पे असर डाल रहा होगा। तो जो प्लैनेट्स होते हैं उन सबका जो हमारा जीवन है उसके ऊपर असर होता है। ये मतलब कितना होता है, कैसे होता है, और अंगूठी पहनने से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये सब मैं नहीं जानता हूं। लेकिन ग्रहों का, उपग्रहों का और जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हमारे जीवन पे असर होता है। मतलब ये बिल्कुल एकदम सही बात है। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बताता हूं, कभी किया था मैंने सॉल्व, कि एक बच्चा है, एक न्यू बॉर्न बेबी है, नया नया जन्म हुआ है उसका, उसकी माँ का मास दिया है, बच्चे का मास दिया है, जुपिटर का मास दिया है और सारी दूरियां दे रखी हैं, और पूछा यह गया है कि बच्चे के ऊपर मां का फोर्स ज्यादा है या जुपिटर का फोर्स ज्यादा है, सारा डेटा दिया हुआ है। तो बच्चा चूंकि मां के बहुत पास रहता है, इनफैक्ट पहले तो उसके अंदर ही रहता है, सेंटर ऑफ मास में ही रहता है, मां के पेट में ही होता है ना, तो डिस्टेंस जीरो ही होगी। तो जो मतलब कैलकुलेट करके मैंने देखा था, वो डेटा मुझे अभी याद नहीं, आपको दे भी नहीं रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि बच्चे का मां के, मां जो बच्चे पे फोर्स लगाएगी, वो जुपिटर जो फोर्स लगा रहा है उससे 10,000 गुना ज्यादा वो फोर्स आ रहा था, और 10,000 गुना ज्यादा तो मां का असर होगा भी जुपिटर से ज्यादा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो फोर्सेस होते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ को, हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कहने को बड़ा कमजोर है, सबसे कमजोर है, हम कहेंगे पिसड्डी फोर्स है, ठीक है, गणित के हिसाब से बहुत पिसड्डी, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन नेचर ने क्या किया, जी तो कम किया, साथ साथ M1 M2 धरती सूरज चांद सितारे का मास इतना ज्यादा कर दिया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत अधिक हो गया। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। तो जैसे पहला एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, अभी तो बेसिक बेसिक हर फोर्स के बारे में 10-10 मिनट, 5-5 मिनट बात करेंगे। दूसरा जो फोर्स आता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। मैंने आपको बताया 12th के अंदर ये 70% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो इसके बारे में भी बस हम लोग एक जानकारी लेंगे और जानकारी लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इसकी जो वैल्यू आती है ये बराबर आती है क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। जो 11th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि भाई क्यू तो समझ गए होंगे चार्ज क्या है, मैं बता देता हूं ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो 12th के बच्चे हैं वो सब समझ रहे होंगे, 12th या रिपीटर जो है वो पूरी तरह समझ रहा होगा कि ये क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं हम लोग, बाकी मैं फील्ड लिख रहा हूँ। v जो है वेक्टर v जो है वो वेलोसिटी है, वेक्टर v वेलोसिटी है, ठीक है। e इलेक्ट्रिक फील्ड है, b मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी है। तो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये वाला मैग्नेटिक फोर्स है, पूरे को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इसके बारे में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो इसके बारे में मैं ये लिख दे रहा हूं, इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से होता है, और इसके बारे में चूंकि बहुत बात करनी है तो सिर्फ हम बेसिक बात करके यहां से निकल जाते हैं। हाँ, मैकेनिक्स के अंदर तीन फोर्सेस मेनली आते हैं, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेंशन फोर्स या नॉर्मल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, ये तीन के तीनों फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। टेंशन जो आता है वो बॉन्ड के कारण आता है, जो बॉन्ड होता है ना किसी भी दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके कारण टेंशन आता है। नॉर्मल भी उसी बॉन्ड के कारण आता है, और फ्रिक्शन जो है वो भी बॉन्डिंग और इंटरलॉकिंग की वजह से आता है। तो टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, एक्चुअल में ये तीनों फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जब हम टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो और इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी मैं नोट डाल के लिख देता हूं, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स आर ऑल, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स आर ऑल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। मतलब मैकेनिक्स के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं ना, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, अभी और चर्चा करेंगे टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन की। तो टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये तीन के तीनों फोर्सेज जो होते हैं वो नेचर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं। क्यू चार्ज हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और भी इसमें बहुत सारे चार्ज आते हैं, जैसे कूलॉम्ब्स लॉ आएगा, के ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है KQ1Q2/r² आएगा, आगे लॉरेंज लॉ आएगा, मैग्नेटिक फोर्स QV×B होता है, तरह तरह की बातें हैं, वो तो जो पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये एक फंडामेंटल फोर्स है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये मीडियम रेंज होता है। मीडियम रेंज का मतलब इसका असर जो है वो 1-2 मीटर, 3 मीटर, आधा मीटर, 10 सेमी, 5 सेमी तक के होता है। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज मैंने यहां रख दिया, जैसे मान लीजिए बॉम्बे में एक चार्ज रख दिया, दूसरा चार्ज मैंने कोटा में रख दिया, और दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, इस टाइप की बात तो कभी सुनी नहीं होगी। मीटर, 2 मीटर, सेंटीमीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो लॉन्ग रेंज फोर्स था, ये जो फोर्स होता है ये मीडियम रेंज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने यहां चार्ज रख दिया तो उस पर मून पे जो दूसरा चार्ज है उस पर असर पड़ेगा, तो इट इज ए मीडियम रेंज फोर्स। ये भी इसकी एक खास बात है, इट इज ए मीडियम रेंज फोर्स, इट इज ए मीडियम रेंज फोर्स, इट इज ए मीडियम रेंज फोर्स, इट इज ए मीडियम रेंज फोर्स। ये एक मीडियम रेंज का फोर्स होता है, मीडियम मतलब बहुत ज्यादा दूर तक इसका असर नहीं होता है, थोड़ा बहुत 10-5 मीटर, 2 मीटर, 1 सेमी, 10 सेमी, इस टाइप का ये फोर्स होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर जो आता है वो आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं कई बार इसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। वैसे किताबों में एनसीईआरटी में तो आपको न्यूक्लियर फोर्स मिलेगा, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। ये इस फोर्स की सबसे खास बात ये होती है कि नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होता है ये। दुनिया में इससे ज्यादा ताकतवर कोई फोर्स होता नहीं है। आता क्यों है, पहले मैं इसकी वजह बता दूं आपको। इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होगी, कम से कम 2 लेक्चर में इसके बारे में बात करूंगा जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 5 मिनट में निपटाएंगे इसको, सिर्फ इसके बारे में बेसिक एक इंफॉर्मेशन देके मैं आगे बढ़ूंगा। ये क्यों आता है समझे, जैसे कोई भी न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। ये जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं ये सारे प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
और जब ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो चूंकि न्यूक्लियस का ऑर्डर जो होता है वो इस ऑर्डर का होता है 10^-15 मीटर का, बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस। तो अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस 10^-15 के ऑर्डर का है, तो प्रोटॉनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो ये प्रोटॉन एक दूसरे पे एक्सट्रीमली लार्ज फोर्सेस अप्लाई करते हैं, K^1, Q^2, R^2 से देखा जाता है। तो ये एक दूसरे पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, और ये प्रोटॉन एक दूसरे को इतना तेजी से रिपेल करते हैं कि अगर इनके रिपल्शन को बैलेंस ना किया जाए तो न्यूक्लियस एक धमाके के साथ फट जाएगा और खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोटॉन होते हैं वो एक दूसरे पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कूलंबिक रिपल्शन अप्लाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलंबिक रिपल्शन हम लोग कहते हैं वो अप्लाई करते हैं। लेकिन न्यूक्लियस स्टेबल होता है, स्टेबल होता है इसका मतलब क्या है कि उससे भी ताकतवर कोई एक फोर्स होता है जो इन मतलब जो प्रोटॉनों के जो फोर्स है उसको बैलेंस करता है। भाई दो आदमी को बैलेंस करने वाला फोर्स तो उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो इसका इसकी वजह क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं ये प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर बहुत ही तगड़ा कूलंबिक रिपल्शन अप्लाई करते हैं, उस कूलंबिक रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स आता है। ठीक है, तो अब हम इस बारे में बात करेंगे। मैं लिख दे रहा हूं द प्रोटॉन्स inside the nucleus, the protons inside the nucleus, nucleus apply large repulsion on each other. The protons inside the nucleus apply large repulsion on each other to balance this repulsion. To balance this repulsion, nuclear forces. To balance this repulsion, nuclear forces comes into play. To balance this repulsion, nuclear forces comes into play. ठीक है, इसी repulsion को balance करने के लिए nuclear forces आते हैं। और ये जो nucleus होते हैं, अब इस बारे में बहुत बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको सिर्फ Newton's law के context में बता रहे हैं कि ये जो nuclear forces होते हैं nature के strongest known force होता ही है। ठीक है, लिखे मैं इसको note कर देता हूं, it is the strongest known force of nature. ये प्रकृति का सबसे ताकतवर फोर्स है, strongest known force of nature, दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है। ये लगता सिर्फ न्यूक्लियनों के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर ही लगता है, न्यूक्लियस के बाहर इसका असर नहीं होता है। तो अगर ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही लगता है तो इसका रेंज बहुत कम हो गया, बहुत कम दूरी तक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, ये भी नोट कर रहा हूं मैं, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। बड़ा मजेदार फोर्स होता है ये, जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लगाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लगाएगा, कभी अट्रैक्टिव हो जाता है कभी रिपल, माने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसके बारे में जो हम लोग आगे करेंगे। अभी फिलहाल अपने काम की बात करते हैं कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, प्रकृति का सबसे ताकतवर फोर्स है, दुनिया में इससे ताकतवर कोई फोर्स आया नहीं है। ठीक है, और ये बस न्यूक्लियस की बाउंड्री के अंदर अंदर लगता है, तो न्यूक्लियस की बाउंड्री के अंदर अंदर इसका असर रहता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट रेंज फोर्स के नाम से जानते हैं, और ये नेचर का सबसे ताकतवर फोर्स है। ठीक है, इसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। आता क्यों है, प्रोटॉनों का रिपल्शन जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए आता है। प्रोटॉन जब एक दूसरे को रिपल करते हैं तो उस रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए आता है। यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। उसके बाद इसके अंदर एक और छोटा सा फोर्स है, छोटा सा मतलब एक और चौथा फोर्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप इसे नोट करें, मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा ये चौक अच्छे से मिटा देता हूं जिससे बोर्ड क्लियर हो जाए। कपड़े से अच्छा बैठता है। तो ये तो आपका न्यूक्लियर फोर्स हो गया, और चौथा जो फोर्स था ये था वीक न्यूक्लियर फोर्स।
ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये और बड़ा कलाकार है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगता था, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बस न्यूक्लियॉन के अंदर अंदर लगता है, यानी प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन, इसके बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर अंदर लगता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर ही लगेगा, तो ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं, इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इट एक्ट्स ओनली ओनली विद इन ए न्यूक्लियॉन, ठीक है। इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इट एक्ट्स ओनली विद इन ए न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन के अंदर ही लगता है, न्यूट्रॉन के अंदर अंदर रहेगा या प्रोटॉन के अंदर अंदर रहेगा। जब भी कभी बीटा डीके होता है, बीटा प्लस डीके या बीटा माइनस डीके मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएगा, तब इन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो खैर वो उस समय पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। फिलहाल एक इसके अंदर बात यह आती है कि चारों फोर्सेस का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कमजोर बेचारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कहने को सबसे कमजोर होता है, लेकिन अगर आप गणित के हिसाब से देखेंगे तो कमजोर है। वैसे ही न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कमजोर नहीं होता, दुनिया के अंदर बहुत सारे फोर्सेस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं।